देखो आज के टाइम पे कोई मूवीस आए और उसका लीक ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। चाहे वो स्पाइडरमैन नो वे होम का एंड्रू गारफील्ड का लीक फोटो हो या मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सभी कैमियोस के लीक हो, अब ये सब लीक्स हो जाते हैं। तो अब ऐसे ही थॉर 11 थंडर के बहुत से सीन लीक हो गए हैं। सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉर 11 थंडर के लीक्स एंडिंग के बारे में। तो मूवी के आखिरी घंटे में हम देखते हैं कि थॉर जीसस को समझाने का ट्राई करता है कि तुम लोग मुसीबत में हो और गॉड द गॉड बुचर कभी भी आ सकता है, तुम्हें मार सकता है। लेकिन जीसस थॉर और उसके साथी को बात ही नहीं मानता है। इनफैक्ट वो थॉर के पीछे पड़ जाता है क्योंकि वो थॉर को ही अपना दुश्मन समझता है, और इसलिए जीसस वर्सेस थॉर भी दिखाया जाता है। और इस फाइट में थॉर और उसकी टीम जीत जाती है और वेलकरी के पास जीसस की लाइटिंग आ जाती है। और ये तो हमें ट्रेलर में भी दिखाया जाता है कि वेलकरी जीसस की लाइटिंग से गॉड द गॉड बुचर पे अटैक कर रही है। और इसके कुछ दिन के बाद थॉर वर्सेस गॉड की फाइट होती है जो की काफी ज्यादा इपिक फाइट होने वाली है। और इस लीक में ऐसा बताया जा रहा है की गॉड द गॉड बुचर की इस मूवी में डेथ हो जाएगी। और हाँ, लीक्स में ये भी बताया गया है की इस मूवी में गौर की बेटी को भी दिखाया जाएगा, और गौर अपनी बेटी को ही बचाने के लिए सभी गॉड को मारने लगता है। और इस मूवी के एंडिंग में उसकी बेटी जिंदा हो जाती है। और इनके अलावा मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन भी लीक हो गया है जिसमें बताया जा रहा है कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हरकुलिस को दिखाया जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स में वीडियो बना दिया है, तो वो भी देख लेना। अब देखो, जितने भी फोटेज लीक हुआ है वो सारे सही है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो लीक सामने आए थे उनमें से ज्यादातर फेक ही थे। इसलिए मूवी के आने का वेट करो क्योंकि इस मूवी के साथ भी ऐसा हो सकता है। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं बोलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। टिल देन, गुड बाय।